सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमें सूरत क्या महुआ के अंदर है। सूरत के अंदर से तो हम कल ही निकल आए थे। और तो आज की सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पता है, ओनली खाना खाने की समस्या आज के लिए। अगले 4-5 महीनों से हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, कुछ भी समस्या नहीं थी, खाना टाइम भी मिलता था। ओनली संडे को इधर होटलें बंद थी, लेकिन अक्सर होटलें चालू रहती थी तो हम खाना खा लेते। और आज गुजरात में एक त्यौहार है, वो तो सब जगह रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, सातम आटम जिसको बोलते हैं ना, सातम आटम, यानी कि सातें आज है और कल है जन्माष्टमी, तो उसके लिए आज है सातम आटम। तो गुजरातियों में एक प्रथा आई हुई है, वो आज मतलब खाना नहीं बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, कल नहीं बनाएंगे। वो मिलता नहीं आज मार्केट में। मतलब खाना कब नहीं बनाया? आज 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 नहीं पूछे बनेगा, आज नहीं बनेगा ऐसा बोल रहे हो। ये है तो सही दर कौन? ये निकल गई तो इसको उसको अभी आएगी तब पूछे। तो इसमें क्या सिस्टम है, कल खाना बनाया होगा और आज खाना नहीं बनाएंगे, यानी कि बासी खाना खाना पड़ता है आज के दिन, है ना, यानी कि जितना कल, भी कल खाना पड़ेगा। तो आटे के दिन अपने घर में चूल्हा भी नहीं जलाएंगे, यानी कि आज तो फिर क्या आज क्या प्रॉब्लम है अपन को? अरे तो आज ही नहीं बनेगा ना, आज आज जो अरे यार तो आज तो बने, कल खाएंगे ना बासी। और आज मना कर दिया इन्होंने, पता क्या सिस्टम, फूटना पड़ेगा। तो फिर ये बोलना आज बासी खाएंगे, कल बनाया वो फूटना पड़ेगा। मना कर रहे हैं लोग आज, आज खाना नहीं बनेगा किसी की भी घर, वो मना सब बंद है, छुट्टी पे गए तो आज छुट्टी पे गए ना, तो आज खाना नहीं बने, इसका मतलब कल बना के रख लिया होगा, कल का खाना ही आज खाएंगे। उसको बोलते हैं सातम आटम। और पूजा मूजा होती है तो हम नीचे से देखते हैं, यहाँ से स्टेज तो अभी तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लेडीज थे जो इधर से इधर पूजा करने के लिए गई थी, तो किसी मन में होते सातम आटम। तो देखते हैं आज का खाने का क्या प्रॉब्लम रहता है क्या नहीं। और अगर गुजराती भाई लोग कोई मेरा ये ब्लॉग देख रहा है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सातम आटम का क्या रहस्य है, जो खाना आप नहीं बनाते हो, बासी खाना खाते हो। और इसके अलावा आज क्या खेलते हैं, ताश। गुजरात में जितने भी लोग हैं, गुजरात के भाई लोग सब आज ताश ही ताश खेलेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, यानी कोई ऑफिस वर्क हो जाएगा लेकिन छुट्टी मिनली आज के दिन है। और ये कारण भी है, जब हम नाइट में ट्रेन लेके आ रहे थे तो पूरा गाड़ी देखिए एक कोच में पूरा गाड़ी गई पैक था ये पूरा। अभी जस्ट हमने आधा घंटे हुआ इसके पहले काम निपटाया, अभी तो काम पड़ा भी है। और पूरा नो कोच एसी फुल था और स्लीपर था 8, वो भी पैक, और 2 जर्नल था वो भी पैक था। तो फिलहाल वेट करते हैं हम क्या रहता है सातम आटम का। अंदर बाजार में जाएंगे तो किसी से पूछेंगे क्या है ये पूरा रेस्ट, फिर आपको दिखाएंगे। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। A few moments later. सागर, ये सातम आटम का क्या मतलब है? सातम आटम मतलब इधर सीतला है, सातम मतलब पूछते हैं सुबह सुबह नहा धो के जल्दी 4 बजे सीतला माँ होते हैं क्या? नहीं, शीतला माता माता जी इसकी पूजा भी करते हैं, नहा धो के। और लोट के कूलर बनती है इसके, लोट शीतला माँ के मीठा बनता है, मीठा मीठा कूलर, पुआ पुआ पारा सुक्कर पारा। तो आज खाना होटलों पे भी बंद है? बंद हो गया, चाय बनती है घर में बस। तुम क्या खाओगे आज? मैं अभी गांव में जा रहा हूँ कपड़ा लेने। खाएगा क्या खाना? जो कल बना होगा ना वो खाएंगे आज। अच्छा, आज खाना कैसे, शाम तक भी नहीं बनाएंगे? अरे घर पे ओनली फॉर घर पे, रात तक, कल तक कल सुबह में खाना बनेगा? कल रात को खाना बनाया होगा। हाँ ठीक है, वो होगा तो इधर खत्म पूरे गुजरात में। पूरे गुजरात में हाँ, मोमेडियन लोग है ना। हाँ, मोमेडियन लोग आते है ना। हाँ, वो बनाते हैं। अच्छा, वो बना दे। अच्छा, ये वो अलग नाथ। हाँ समझिए उनसे तो यार, अरे उनको उनको तो यार से मतलब ही नहीं है, कोई सा भी हो त्योहार के मतलब नहीं है, वो तो बनाएंगे ना। तो आज हम भी इधर तो बंद है, उधर जाना यार्ड में जाते हैं, यार्ड में खुला होगा तो यार्ड में भी बंद होगा। सो है गाइस, देखो गाड़ी में से तो निकल गई, अब जा रहे हैं हम होटल की तरफ, देखते हैं कौन सी होटल बंद है या कौन सी चालू है। जो उनसी चालू होगी वहाँ पे खाना खाएंगे, नहीं होगी तो कुछ ऐसे ही खा के आज दिन काटना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना, बद्दू पूरा जो भी पेपर गुजराती होगा ना वो तो रात का खाना ही खाएगा, ना वो चूल्हा जलाएगा ना वो आज खाना सेल करेगा। जितनी भी होटल है गुजरात के अंदर, ये नहीं महुआ में, सूरत भावनगर राजकोट सब जगह होटल आज बंद है, जो पेवर गुजराती होगा और वो नाइट का खाना खाएगा। बड़ी परंपरा है ये, तो मैंने पहली बार देखा है। अब जो भी होटल खुली होगा ना, या तो वो मोमेडियन होगा या फिर वो हिंदू नहीं होगा, देखते हैं क्या सीन रहता है बाहर का। देखो गाइस, आज सातम आटम का त्यौहार और इधर माहौल कैसा बना हुआ है, बिल्कुल सब अपने अपने आज पूजा पाठों में लगे हुए हैं, तो इधर कोई पब्लिक भी नहीं दिख रही है। जस्ट देखो ये सब पब्लिक दिख रही है यहाँ पर, हम कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5। A few moments later. इस 4 होटलों को टच कर लिया, बंद है। और फिलहाल जा रहे हैं हम 5वीं होटल पे, बद्दू मुझे लगता है वो भी बंद है, और आज खाने का डिस्टर्ब है।
ये त्यौहार खाद इसलिए बनाया होगा कि लोग वहाँ खाने की मतलब जो है ना उसको समझ सके। तुम पूरे साल खाते हो, एक साल नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे। चुप हो जा साथी, फिर चुप। तो इसी चक्कर में शायद बंद रखते होंगे होटलों को, सबको का भी खराब है जाने का भी। खाना नहीं मिल रहा वो तो फिर ठीक है, देखो कैसे जा रहे लोग, देखो ये पूरा खराब है। मतलब इतना डर है कि कोई, देखो ये बगल वाला आएगा तो पक्का ही हमको भिंजा के ही जाएगा। इंतजार करना पड़ता है ये सामान, कैसे जा रहे लोग, देखो ये सब यार पैरों में वैसे खराब है, ऊपर से ये सब खराब करेंगे। देखते हैं, मैं भी निकलता हूँ गाइस, अब निकल लेता हूँ, जगह है अभी। ऑलराइट गाइस, 20 मिनट से हम इस शहर में चल ही रही हैं बस। देखो आप दुकानें देख रहे हो बगल में, इस तरह का बंद है, बद्दू ही बंद है, ये सब खुला है, टिकिया में किया, तो ये सब खा के क्या ही हमारा काम चलेगा। सामने देखते हैं अगर कोई सी होटल खुली हुई होते, ऊपर से पानी का जो मौसम है, कभी भी पानी गिर सकता है, हम छाता लेकर भी इधर नहीं आए थे। देखते हैं गाइस आगे में कोई सी होटल खुला होगा तो वहाँ पे खाना खाएंगे। चल चल के भूख और लगी, 20 मिनट का चलना, सोचो 2 किलोमीटर तक का सफ़र कर लिया थे। गाइस होटल नहीं मिल रही है, 15 मिनट से भग रहे हैं, और देख क्या आलीशान बंगला बनाया है, कितना मस्त कांच वाला बंगला है, और एकदम आज इसका उद्घाटन है। इधर ही हमें खाना, हॉस्पिटल है, इधर ही खाना खिला दे तो कैसा रहता। मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ जब नहीं मिल रहा है तो। एक टाइम का खाना खाने के लिए गाइस हमको इतना स्ट्रगल करना पड़ा आज, तो मैं ये बात तो कभी भूलूंगा ही नहीं। शायद वीडियो में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि याद रहेगा कि खाना खाने के लिए हम भटकते थे, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है कि किसी बड़ी होटल से ऑर्डर करके वहीं खा लेते थे। भटकना पड़ेगा यार, एक लोकल नॉर्मल होटल देखनी पड़ेगी, झुप्पड़पट्टी वाली। अभी तो गाइस हमें ही नहीं पता इस लोकेशन का या इस एरिया का क्या नाम है, और ऐसी जगह पर हम आ गए, किसी के घर में भी नहीं घुस सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी खाना नहीं बनाया, रात का ही वो खा रहे होंगे। तो होटल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे ही खा के चल देंगे वापस। अभी मेरे को कोई आशा नहीं लग रही खाना मिलेगा इधर। A few moments later. कोई सी भी होटल नहीं दिख रहा इधर, कौन सा लॉज है? मैं तो गाइस मजाक समझ रहा था जब ये सुना कि आज पूरी होटल है। जब मार्केट में आकर देखा तो मेरा तो हौसी खुल गया, सच में पूरी होटलें बंद है आज। देखो ये बद्दू पैक से, पूरी होटलें पैक से, ये सब बड़ा पाव वगैरह सब खुल रहा है, ये सब खाना नहीं है हमको। हमको खाना मिलना चाहिए ताकि शाम तक हम उसमें संतुष्ट हो सके। मुझे लगता है गाइस आज तो हम होटल ढूंढेंगे इधर, खाना तो शाम तक मिलेगा या फिर कल ही मिलेगा जब होटल खुल जाएगी। कुछ दिख ही नहीं रहा, होटलें दिख रही लेकिन बद्दू ही बंद छे पूरी। अब यहाँ के लोग को तो इनका घर है तो रात का खाना खा के आराम से मस्ती का मार रहे, लेकिन हमें होटल नहीं मिल रही है अभी भी। आगे देखते हैं, किसी ने बताया वहाँ की जगह लोकेशन, तो देखते हैं वहाँ अगर मिलेगा तो पेट भर लेंगे। खाने के बाद में होटल मिली है गाइस हमको, एक होटल मिली, उसमें इतनी भीड़ है कि जगह नहीं है, और मिष्ठान की दुकान बहुत बद्दू ही पैक से। ओहो यार मार्केट तो काफ़ी मस्त है यार, इधर दुकानें जितनी भी देख रहे हैं एकदम हाई फाई, देखो ना जैसे कि US में ये दुकानें हो, देखो इंडिया के अंदर इतना फैंटास्टिक लुक, वाह वाह। One eternity later. ये एकमात्र होटल है जो खुली हुई है, इधर ही खाना खाएंगे अब गाइस हम। ये एकमात्र होटल है पूरे इस एरिया में, पूरे महुए में, जहाँ हम अब यहीं पे खाना खाएंगे गाइस हम। यही एक होटल के अंदर जाते ही पकड़ा दिया हमको मेनू, लेकिन मेनू से हमको क्या मतलब है, क्योंकि ओनली पंजाबी थाली के अलावा यहाँ पर कोई सा भी खाना उपलब्ध नहीं है। अगर आपको गुजराती आती है तो पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमारी पंजाबी थाली रेडी आ गई जी, 2 सब्जी है, दाल और राइस है, जीरा राइस और चपाती नहीं आई है अभी, पी लेता हूँ मैं थोड़ा छाछ, 4 चपाती 2 सब्जी छाछ के साथ में खाना की ये फुल प्लेट है। और भाई साहब इतने तेजी से खाना खा रहे हैं ना जैसे कि 2 दिन के भूखे थे। कोई बात नहीं, हम भी भूखे ही थे। हाँ भगवान राम की जय हो। गाइस आपको मैंने बीच का बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं दिखाया, हम किस रास्ते से आए और कितना टाइम में आके पहुँचे, क्योंकि हालात ऐसे ख़राब थे ना, आते टाइम पानी गिर रहा था और पानी में भीगते भीगते हम आए। देखो अभी तो पैर भी मेरा, पैर किधर दिखेंगे, इधर फुल पूरा गीला पैर है। और आज राइट थी जो क्या बोलते 7वां 8वां, आज पूरी गुजरात में के अंदर होटलें बंद है, गुजराती थाली मतलब बैन है एक तरीके से, भारत बंद रहता है इसलिए गुजरात में आज खाना चूल्हा बंद है सबके घर।
सबने बासी खाना खाया और हमें तो हमने आज से पहले कभी ये त्यौहार को मनाया भी नहीं अगर हम भी बासी खाना खाते हैं। और अगर खाते बासी खाना तो ढूंढते कहाँ, क्योंकि घर तो हमारे यहाँ है नहीं, कुछ तो हमें खाना पड़ता। तो एक होटल मिली थी ना, उस पर भी पंजाबी थाली मिली, गुजराती थाली ना थी, ओनली पंजाबी थाली उपलब्ध होनी। तो खाना खा लिया है, लेकिन एक टाइम को खा उससे क्या, अगले टाइम क्या अफसोस है, अभी शाम को क्या खाएंगे। तो बने रहिए आज हमारे साथ, हो सकता है इस वीडियो के बाद में मैं डायरेक्ट आपको शाम को दे दूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना है, थंबनेल बनाना है, देन थोड़े समय के लिए विश्राम करना, यानी सोना भी है, क्योंकि नाइट ड्यूटी रहती है इसलिए। बाय बाय गाइस, आलस ही आ रहा है और आलस भी नहीं उड़ा, इससे पहले ट्रेन चल रही, यानी कि इस रूट में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक लोइन ट्रेन के नीचे आ गया था और उसका हत्या भी हो गई, इस कारण ट्रेन का टाइम चेंज कर दिया, यानी कि एक घंटे पहले कर दिया। बिल्कुल ये जंगली एरिया है और यहाँ पर शेर, नीलगाय आदि जानवर निकलते रहते हैं। तो नाइट में एक चक्के के नीचे आ गए थे जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जो वो शेर था ना, जब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही वहाँ तक के इलाका उसी का था, वो नाम से प्रसिद्ध था इस रूट पर, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई इसके लिए ना एक घंटे पहले। तो कितना दिन है तभी ट्रेन निकल गई, नहीं तो हमारी ट्रेन खड़ी रहती प्लेटफॉर्म पे, और इसके एक घंटे बाद यानी 7:15 का टाइम था, मैंने कहीं बार बताया, लेकिन ये ट्रेन 6 बजे निकल गई, यानी 5:55 पे ही निकल गई। तो बाय बाय गाइस, आज का ब्लॉग एंड करते हैं, अभी नाइट का खाना भी पता नहीं हमारा कहाँ होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम है ना गुजरात में सातम आठम का त्यौहार है, इसलिए सब बद्दू बंद है, देखते हैं। बाय। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और नाइट में गाइस सोया था, खाना नहीं मिला आखिर में, मैंने बोला था ना खाना मिलेगा तो करेंगे, लेकिन 5 रोटली की जुगाड़ लग गई थी कहीं से, और उसके साथ में रोटली ऐसी बनाई थी, मतलब बिना वो शायद होगा या पता नहीं गुजराती होगा नहीं होगा, लेकिन उसे रिक्वेस्ट किया था, कुछ पैसेंजर भी थे ट्रेन में और मैं, तो हमने बोला यार इतना ऑर्डर तो आपको लाना ही पड़ेगा, चप कुछ हो जाए, तो इसके लिए वो 5 मेरे लिए बाकी लेके आया था, तो खाना आराम से हो गया था। लेकिन दिक्कत कितनी आई हमें, हम ही जान सकते हैं, सातम आटम का जो त्यौहार, आज ही आटम, कल था सातम, तो आज ही दोपहर तक चूल्हा बंद रहेगा, इसके बाद में खाना मिलेगा। होटलें चालू हुई थी जो गुजराती नहीं थे, जो गुजराती तो थाली भी यहाँ पर बैन थी, जैसे भारत बंद रहता ना उस तरह का सब बैन थी। तो वैसे आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये शूट है ना मैं दूसरे दिन कर रहा हूँ, देखो रूम के अंदर मैं सुबह में आया, आते ही कोच का काम किया 1.5 घंटे में, इसके बाद मैं यहाँ पर आया, अभी नाश्ता किया, खाना तो अभी फिलहाल खाया है नहीं, यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, पोस्टर रेडी करूँगा, शैम्पू बूटी शूटिंग करना है इसलिए। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आएगा ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, एंड गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द आज ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फॉलो मोर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी।